नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का चुनाव आयोग ने किया ऐलान। आज से आदर्श आचार संहिता लागू। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होते ही मिजोरम में 7 नंबर को चुनाव होगा, साथ ही छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होंगे। राजस्थान के अंदर 23 नवंबर को चुनाव होंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को। इस तरीके से मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में 7, 17, 23 और 30 नवंबर को चुनाव होंगे और पांचों ही राज्यों की एक साथ 3 दिसंबर को मतगणना होगी। 26 दिनों का चुनावी प्रोग्राम चुनाव आयोग ने घोषित किया। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 और 17 नवंबर को, और 2024 के चुनावों से पहले का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। लोकसभा के चुनावों से पहले 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। इस समय 5 राज्यों के कुल 16 करोड़ मतदाता इस समय चुनाव में अपने मत का उपयोग करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिजोरम के अंदर MNF वर्तमान में MNF है। छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा का कहीं भी सीधा राज जो है राज्य में नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि 24 से पहले 5 राज्यों के चुनाव जो है वो सत्ता की जो 24 की चाबी है वो किसके पास आती है, ये देखने की बात होगी। आज से आचार संहिता लागू हो गई है। आज से राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से जो चुनावों की तारीख है वो 23 नवंबर दी गई है। 23 नवंबर को राजस्थान की विधानसभा में चुनाव होंगे और चुनाव की विधानसभा की सीटों पर अगर नज़र डालें तो 40 सीटों पर मिजोरम में, 90 सीटों पर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 200 विधानसभाओं की सीटें, तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होगा। राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों पर 23 नवंबर को चुनाव होगा। आज से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करते हुए आचार संहिता लागू कर दी गई है। राजस्थान में चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। आज से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के अंदर 23 नवंबर को चुनाव होंगे और पांचों ही राज्यों का जो चुनाव की गणना है वो 3 दिसंबर को होगी। नमस्कार, देखते रहिए तेजल मीडिया।